पूजनी महाराज जी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि बाकी इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने यहाँ इतनी सुविधा कर दी है उत्तर प्रदेश में कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जितनी फिल्में मुंबई में बनती थी उससे ज़्यादा यहाँ बनेगी। क्या यहाँ के नए कलाकारों के लिए भी कुछ राह खुलते आपको दिख रहे हैं कैसा? बिल्कुल, क्योंकि उस गाइडलाइन में ये है कि अगर आप यहाँ फिल्में बना रहे हैं और यहीं के कलाकार उसमें काम कर रहे हैं, यहीं के टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, तो आपको सब्सिडी मिलेगी। तो वो तो प्रोड्यूसर कोई भी आए बाध्य है कि उसको यहाँ से लेना ही पड़ेगा। जिस तरह से एक दौर चल रहा है भोजपुरी में कि सिंगर्स का ही सिंगर ही जो है वही एक आगे चल करके हीरो बनता है, हीरो की तरह प्रेजेंट होता है, तो क्या एक दौर खत्म होगा कुछ नए फेसेज को जो बिना सिंगिंग किए भी क्या वो एज ए लीड लॉन्च हो सकते हैं हीरो का चांस? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं और हो ही रहे हैं। देखिए जैसे अभी चिंटू आए, चिंटू पांडे वो गायक नहीं थे पर उनको आता है तो वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे आ गए वो। अभी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म बनती है और किसी गायक को मौका मिलता है उसका कारण ये होता है कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग ऑलरेडी होती है और प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं ऐसे ही व्यक्ति के साथ फिल्म बनाऊँ कि मेरा पैसा निकल जाए। पर जो लोग आएंगे नए लोग और रिस्क लेंगे अच्छी स्क्रिप्ट के साथ में तो जरूर आएंगे। सर फसल तो बोया जा रहा है लेकिन काटने का जो है काटने का परिणाम क्या होगा, किस तरह से आप उसको देख रहे हैं फसल को? नहीं नहीं बहुत अच्छा है और वो सब्जेक्ट इतना बढ़िया है कि मुझे लगता है कि लोगों को देख के, चूँकि हम भी किसान हैं, हम भी किसानी किए हैं, खेती बाड़ी किए हैं, तो हमको भी पता है कि जब वो जीवन हम वहाँ पे दिखाएंगे जिएंगे तो लोग जो है आनंद लेंगे। सर हमारे साथ बात करेंगे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।